अगली बड़ी खबर पंजाब के अंबाला से है, जहां फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीद को लेकर केंद्र सरकार के ऑफर को ठुकराने के बाद किसान आज एक बार फिर दिल्ली चलो मार्च से फिर से शुरू करने के लिए तैयार है। इस बार किसानों ने बॉर्डर पर पुलिस की किलेबंदी तोड़ने के लिए बुलडोजर और जेसीबी जैसी भारी मशीनें लेकर तैयार हैं। इस बीच कुछ युवा प्रदर्शनकारी किसानों ने बुधवार को पंजाब और हरियाणा के बीच स्थित शंभू बॉर्डर पर लगाए बैरिकेड्स की तरफ बढ़ने की कोशिश की, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। हालांकि किसान नेताओं ने ऐलान किया कि वे इन मशीनों का उपयोग नहीं करेंगे और केवल आंदोलन के नेता ही आगे बढ़ेंगे। किसानों के इस फैसले का स्वागत करते हुए हरियाणा पुलिस ने ट्वीट कर कहा कि किसानों द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए भारी मशीनरी जैसे जेसीबी, पोकलेन आदि का प्रयोग न करने की घोषणा का स्वागत करती है। किसानों के दिल्ली चलो मार्च के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। शहर के टीकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है।